के लिए हमने पढ़ाई लिखाई की, जिसके लिए हमने वेद पढ़े, वो भगवान बगल में खड़ा रहा और हम कर्मकांड में लगे रहे। सभी ब्राह्मण दौड़ करके भगवान की शरणागति पढ़े और भगवान से क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, दिग जन्म नस्त्रवित विद्याम दिग्व्रतम दिग बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक् क्रियादाक्षम विमुखा ये तदोक्षजे। हे गोविंद, वह तीनों प्रकारों का वेद ज्ञान भी व्यर्थ है यदि भगवान को नहीं जाना तो। कितने भी ऊंचे कुल में तुम जन्म ले लो, यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। कितना भी दिग बहुज्ञता, बहुत जानना किस काम का अगर तुमने भगवान को नहीं जाना। दुनिया घर बार जाना, घर यार मकान जाना, नाते रिश्तेदार जाना, जाना जाना है। घर यार मकान जाना, रुपया और पैसा जाना, तूने उसे नहीं जाना, तुझे जिसके पास जाना है। तूने उसको नहीं जाना, तुझे जिसके पास जाना है। ब्राह्मणों ने अपने आप को धिक्कारा, दिक्कुलम, वह कुल धिक्कार का पात्र है जिसमें पैदा होकर के भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। दिक् क्रियादाक्षम, वह कर्मकांड व्यर्थ है जो तुम्हें भगवान से न जोड़ दे। विमुखाये तदोक्षजे, अत्यंत दिव्यतम लीलाओं के बाद में महाराज वर्णन आता है, अतिशय दिव्य लीला होती है। कार्तिक का महीना था, नंद बाबा जी महाराज का एक किसान थे। प्राचीन काल में किसान लोग क्या करते थे, जब खेती पैदा हो जाए तो जिन देवताओं की कृपा से कैसी खेती सस्य श्यामला हुई है, अनाज पैदा हुए हैं, उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ जरूर करते थे। भगवद गीता में कहते हैं, भगवान ने सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। यज्ञ के साथ संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के बाद देवताओं को भगवान संकेत करते हैं, मनुष्यों को, कि तुम यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और ये देवता तुम्हारे मनवांछित वस्तुओं को प्रदान करके तुम्हें प्रसन्न करें। शोनंद बाबा संपूर्ण खेती को बो चुके थे, सब कुछ तैयार, किसान खाली थे। जब खाली रहो तो कुछ यज्ञ कराओ, यज्ञ कराना चाहिए, कथाएं करानी चाहिए, ताकि अब ये मानव जीवन जिस ईश्वर की मिला है वो भी कथा भी सुन लो, धन्य हो जाओ। और ना कथा कराओ तो जो कथा हो रही वहां में तो आ जाओ। हाँ? कहते रंग लगे ना फिटकरी क्या। हाँ? रंग चोखा हो, कुछ मत कराओ तो गुलाब सिंह जी कथा कराए, वही में आके बैठ जाओ, कम से कभी कथा हो रही उसी में आनंद करो, जगह तो चल रहा है। नंद बाबा ने यज्ञ की तैयारी की, बहुत विशाल यज्ञ मंडप बनाया, तैयारी चल रही थी, सामग्री चारों तरफ से आ रही थी। गर्गाचार्य जी महाराज समस्त ब्राह्मणों के साथ आ चुके थे, वेद भी आए हुए थे, ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके। मैया यशोदा और रोहिणी जी ने अपनी डाला को खूब बड़े प्रेम से नहलाया, धुलाया, स्नान कराया, चंदन लगाया। वैसे ही तो वो काला कलूटा था, तो काजल लगा के डिठोना और लगा दिया जाए, किसी की नजर न लग जाए। महाराज नजर न लग जाए उसके लिए वो भी लगाई। उसके बाद में गोविंद बोले, मैया मैया। बोले हाँ। बोले मेरी बांसुरी वाले, चुप कर, तेरी बांसुरी भी दे रहे, कहीं नहीं जा रही, तेरी बांसुरी दे दी। मोर पंख का मुकुट और पीताम्बर धारण करा दिया। मैया यशोदा रोहिणी जी ने कहा, मेरे प्यारे लाला। बोले हाँ, बताओ मैया क्या बात। कहा, देखो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, बाबा जय जय की पूजा कर रहे हैं, वहाँ तुम उधम चाले मत करना, पहले वहाँ पर जाना, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे सबके चरणों में सिर रख करके प्रणाम के सबका आशीर्वाद लेना। भगवान ने कहा, हाओ मैया और क्या करना है। कहा, देखो तुम वो जितनी सामग्री रखनी उससे जूठे मूठे हाथ मत लगाना, सब अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए नहीं तो जय जय नाराज हो जाएंगे। बोले हाओ मैया, जाएं। बोले हाँ जाओ। अब प्रणाम करके आए, सो महाराज पूजन चल रहा था, ब्राह्मण देवताओं ने जूं ही गोविंद को आते हुए देखा, ब्राह्मण वेदज्ञ थे, देखते ही समझ गए कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवान की आंखों की चमक अलग होती। भगवान ने सबको प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी महाराज ने अंतःकरण से अंदर ही अंदर प्रणाम किया और कहा कि धन्य भगवान आपकी लीला। और उसके बाद में पूजन शुरू हो गया।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्रसेवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा। हमारा पूजन चल रहा था, गोविंद ने देखा कि कोई तो ध्यान दे नहीं रहा है, सो मैया ने कहा था बाबा से दूर बैठना, सो दूर बैठे तो एक हाथ पास में आ गए, मंत्र फिर आगे चलने लगे। उसके बाद में मंत्रों में उन्होंने कहा कि बाबा ने देखा कोई कुछ नहीं कह रहा, तो सीधे अपना हाथ उठा करके लाला ने बाबा की गोद में रख लिया। मंत्र आगे चलते रहे, नाभ्या आशीदंदर के गुंदे नो, लाला ने देखा कि कोई नहीं टोक रहा है, तो सीधे उनका हाथ ऐसे किया, अंदर घुसक गए। अब बाबा का स्वभाव था कि अब लाला गोद में आए तो उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ लेते थे, सो एक हाथ से ऐसे कन्हैया को पकड़े और एक हाथ से में संकल्प लेकर के बोले, हम ओम विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्तमान से अद्य ब्रह्मणो निदुदी प्रार्थे श्री सूताय वाराय कल्पे वैवस्वत्मन मंत्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते। हमारा जो बोल रहे थे तभी तक लाला बीच ही संकल्प में उठे और कान में जाकर के बोले, बाबा बाबा। बोले, हाँ बेटा क्या है? चुप कर, पूजा हो रही। कह रही नहीं, हमें प्रश्न है। बोले, क्या? कथिताम में पिता कोयम संभ्रमो बहुपागता किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखा। पिताजी ये क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो नंद बाबा ने कहा, जय जय की पूजा हो रही है। बोलिए, जय जय कौन है? तो ऊपर प्रणाम किया तो लाला ऊपर देखने लगे ऐसे ऐसे। बोले, ऊपर तो कौ दिखे ना है? ऊपर को न दिखा। बोले, हाँ हाँ। तो कही, कौन की पूजा कर रहे? बोले, इंद्र भगवान की पूजा कर रहे। कहाँ है ऊपर? तो दिखाई नहीं पड़े। कहा, वो दिखाई नहीं पड़ते। बोले, तो जो दिखाई नहीं पड़ते उनकी आप पूजा कैसे कर लेते? कभी आपके बीच में आए? बोले, कभी नहीं आए। कहा, जो देवता आपके कभी बीच में आया नहीं तो आप पूजा कैसे करते? कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मिमूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। परजन्यो भगवान इंद्रो, ये जो बादल दिखलाई पड़ रहे ना। बोले, हाँ। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्मिमूर्तया, इंद्र हमारे किसानों के देवता हैं और ये मेघ उन्हीं के स्वरूप हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मिमूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानाम, अगर वो पानी ना बरसाएं तो कुछ अन्न ही पैदा ना हो तो हम भूखे किसान मर जाएं, उन्हीं की कृपा है। लाला ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, इंद्र की कृपा से ही पानी बरसता है, उसी से धान पैदा होता है। बोले, हाँ। तो बोले, बाबा एक बात बताएं। बोले, हाँ। बोले, फिर कल से आप खेत पर मत जाना, ना हल चलाना, ना बोना, ना खेती करना, कुछ मत करना, सब इंद्र की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि इंद्र करते हैं सब। तो नंद बाबा ने कहा, देख लाला, ये तेरी घुमाई फुराई वाली बात मुझे अच्छी लगती नहीं, सीधी सीधी बात कहता है, कहना क्या जाता है। कहा, हम ये कहते हैं कि इंद्र के करने से कुछ नहीं होता। बोले, तब? कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, कि काहू न को सुखे दुख कर दाता निज कृत कर भोगे सब। कहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भाता। भगवान कृष्ण का कर्मणा जायते जंतु
कर्मण विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण वा विपद्यते। संपूर्ण प्राणी कर्म से पैदा होते हैं, कर्म में ही जीते हैं और पिताजी कर्म में ही पर्यवसान कर देते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि काहू न कहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का परिणाम भुगते हैं। का इसका मतलब, का तुम उस सातवें आसमान में टंगे हुए देवता का पूजन कर रहे हो जो आपके कभी बीच में आया नहीं, और जो देवता अपने बीच में है उनको काट रहे हैं मिटा रहे हैं। बोले वो कौन देवता? का ये देखो गिरिराज जी वो खड़े हुए। का गिरिराज जी कौन? बोले वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो गिरिराज जी देवता है। बोले ये देवता है? बोले हाँ। बोले जिस समय बाबा पूतना आई थी ना, पूतना, बोले भयानक मुख वाली, बोले हाँ फिर? कब वही गिरिराज जी ने आकर के उसे मार करके मुझे बचा लिया था। अच्छा अच्छा, गिरिराज जी ने बचा? बोले हाँ, एक बार मैं गैया चरा के आ रहा था रास्ते में और एक बहुत बड़ा हौवा आ गया, मुझे खाने ही वाला था, गिरिराज जी आए उसको मार करके फेंक दिया। वो जो तो पेड़ गिरे थे ना? बोले हाँ। बोले गिरिराज जी ने ही तो एक पकड़ के इधर गिरा दिया था, एक पकड़ के इधर गिरा दिया था। अब कन्हैया गप्पे मारने में तो नंबर एक था। ऐसी ऐसी बातें बुझाई नंद बाबा को कि नंद बाबा का दिमाग एकदम चक्कर खाने लगा और रोने लगे कि हे गिरिराज जी महाराज, हमसे बड़ी गलती हो गई, आपने तो कदम कदम पर हमारी रक्षा की लेकिन हमने आपका पूजन नहीं किया, हम आपकी अब आपकी ही पूजा करेंगे। गांव के किसान बड़े भोले होते थे।